श्री नितिन गडकरी पर आरोप, पूर्ति उद्योग के माध्यम से व्यवसायी होने का आरोप। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। सामाजिक दायित्व के भाव से किसानों की आत्महत्या रुकनी चाहिए, ग्रामीण भाग के युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए। इसलिए मैं गांवों में काम कर रहा हूं। अगर मैं बिल्डर डेवलपर बनता तो मुझे टनल का भी एक्सपीरियंस है, ब्रिज बनाने का भी है, सभी का है। तो मैं मुंबई और पुणे में और दिल्ली में और नोएडा में कोई बिल्डर डेवलपर बनता, कोई एसआरए देता, कोई टनल बनाता, कोई रोड बनाता, कोई ब्रिज बनाता। जहां घाटा है, जहां कोई मुनाफा मिलने की संभावना, ऐसा काम मैं गरीबों के लिए मार कर रहा हूं। मैंने कोई डीए कॉलेज, बीए कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। स्कूल खोलकर टीचर लोगों के पगार से पैसे खाने का काम जिंदगी में नहीं किया। मैं तो आत्महत्या करने वाले किसानों की जान बचाने के लिए अपनी जान मैंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए अर्पित की है। अभी पूर्ति में 64 करोड़ रुपए का नुकसान है, घाटा है। और मैंने 14 महीने पहले पूर्ति से सभी कंपनियों का इस्तीफा भी दे दिया है और किसी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर नहीं है। इसके बावजूद बार बार ये सब इसलिए शुरू है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। अगर मेरे ऊपर आरोप हुए तो मैं अगर इंक्वायरी के लिए तैयार हूं तो मैं कांग्रेस पार्टी के दामाद पर आरोप हुए वो इंक्वायरी के लिए तैयार करेंगे सवाल पूछना चाहते हैं। नितिन गडकरी तो जांच के लिए तैयार हैं, क्या गांधी परिवार जांच के लिए तैयार है?